बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, किसी भी जंग में हथियार अहम किरदार अदा करते हैं। जब दो मुल्कों में जंग होती है तो उनकी ताकत फौज और हथियारों से ही हासिल की जाती है। अब आप रूस को ही देख लें, जो अपने हथियारों के बल पर यूक्रेन को खत्म करने में लगा है। नाज़रीन, रूस के पास ऐसा क्या है कि नेटो ममालिक तक इसके सामने खामोश बैठे हैं, मगर भी ममालिक के साथ साथ अपने आप को आलमी ताकत कहकर दुनिया भर में अपनी धौंस जमाने वाला अमेरिका भी रूस से खौफ क्यों खा रहा है? क्या वाकई में रूस के पास कुछ ऐसा है जिससे डरकर सारे चुप बैठे हैं? नाज़रीन, तमाम ममालिक रूस से खौफ क्यों खा रहे हैं, इसको जानने से पहले व्लादिमीर पुतिन की उस चेतावनी पर नजर डालते हैं जो पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद पूरी दुनिया को दी थी। पुतिन ने वार्निंग जारी की कि अगर किसी भी मुल्क ने दखल अंदाजी करने की कोशिश की और हमारे मुल्क के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की तो रूस फौरन उस पर जवाब देगा। रूस की तरफ से ऐसे नतीजे देखने को मिल सकते हैं जो तारीख में पहले कभी किसी ने ना देखे हों। दरअसल नाज़रीन, रूस की इस वार्निंग के पीछे उसके खतरनाक हथियार हैं, जिससे नाटो और अमेरिका भी खौफ खाते हैं, जिनके बल पर रूस किसी भी मुल्क को निस्तनाबूद कर सकता है। नाज़रीन, शायद आप ये समझ रहे होंगे कि ये दुनिया की दूसरी ट्रेन की तरह एक आम सी ट्रेन है, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन में से एक वेपन है। ये ट्रेन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकती है और हर एक मिसाइल में 10 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद होते हैं। नाज़रीन, अकेली ट्रेन एक ही बार में तमाम ईस्ट और वेस्ट को तबाह भी कर सकती है, और आप अंदाजा ही नहीं कर सकते ये पूरा सोवियत रेल नेटवर्क है कहाँ पे। सोवियत यूनियन को ऐसा वेपन बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, इस सोवियत न्यूक्लियर घोस्ट ट्रेन RT-23 की कहानी क्या है, इस पर हम आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। नाज़रीन, 1960s में अमेरिका ने सोवियत पर बहुत सारे जासूसी मिशन शुरू कर रखे थे, जिसके लिए अमेरिका हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता था। इन जासूसी मिशन का एक ही मकसद था कि सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज लोकेशन को ढूंढना, कि ये सोवियत यूनियन में कहां कहां मौजूद हैं। असल में अमेरिका चाहता था कि अगर सोवियत यूनियन से जंग शुरू हो जाए तो इसे पहले से पता हो कि सोवियत यूनियन के मिसाइल साइलोज कहां कहां पर मौजूद हैं, ताकि लड़ाई की सूरत में इन साइलोज से मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा इन सोवियत मिसाइल साइलोज को तबाह किया जा सके। नाज़रीन, अमेरिका काफी हद तक अपने इन जासूसी मिशन में कामयाब भी हो चुका था और कई साइलोज लोकेशन का अमेरिका को मालूम हो चुका था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन को इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि इनके मिसाइल साइलोज की लोकेशन अब सीक्रेट नहीं रही, अमेरिका इन तमाम के बारे में जानता है। लेकिन नाज़रीन, सोवियत यूनियन भी पूरा खिलाड़ी था। इसने एक कार्ड सबसे छुपा कर रखा था और वो था ऐसा तेज तरीन मोबाइल प्लेटफॉर्म जो की न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सके। ये सोवियत यूनियन में कहीं भी हो सकता है। अमेरिका के लिए इसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के जैसा था, और यही मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी कि ये न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर ट्रेन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गई थी। नाज़रीन, अमेरिका भी सोचता होगा कि सोवियत यूनियन के एक वेपन का सोल्यूशन निकालो तो दूसरा सामने आ जाता है। सोवियत यूनियन की ये घोस्ट ट्रेन दिखने में बिल्कुल वैसी थी जिस तरह दूसरी नॉर्मल ट्रेन होती है। इस ट्रेन में टोटल 17 रेल कार थी जो कि मिलकर कॉम्बैट रेल बेस मिसाइल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जिनमें 3 मॉडिफाइड M-62 लोकोमोटिव, 3 लॉन्च वैगन्स और हर लॉन्च वैगन के साथ 2-2 रेल कार्स जो कि टोटल 9 रेल कार्स बनती हैं, और एक डीजल और लुब्रिकेंट वैगन और 4 रेल कार इस ट्रेन के क्रूज को एकोमोडेट करने के लिए मुख्तस थी। नाज़रीन, ट्रेन बाहर से बिल्कुल सिविलियन ट्रेन की तरह लगती थी, सो अगर ये किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी भी हो तो सभी यही समझते थे कि ये एक सिविल ट्रेन है, और यही चीज अमेरिका के लिए सर दर्द थी कि ऐसी ट्रेन को वो ढूंढे कैसे। इस ट्रेन की क्रूज स्पीड 80 से 120 किलोमीटर पर आर थी। इस ट्रेन में शॉर्ट सर्किटिंग का स्पेशल मैकेनिज्म भी मौजूद था जो कि जरूरत पड़ने पर इसके ऊपर मौजूद पावर लाइन से बिजली भी इस्तेमाल कर सकती थी। ये ट्रेन 28 दिन तक ऑटोनोमसली भी ऑपरेट हो सकती थी, यानी अगर इसकी कमांड लॉस्ट हो जाए तो ये ट्रेन तब भी उतनी ही खतरनाक है जितनी पहले थी। कमांड लॉस्ट होने के बावजूद भी ये ट्रेन मिसाइल लॉन्च कर सकेगी जो कि किसी भी वक्त किसी भी जगह से सिर्फ 3 मिनट में मिसाइल लॉन्च कर सकेगी, जिसके लिए इस ट्रेन को हदायत मॉस्को में मौजूद कमांड सेंटर से मिलेगी। नाज़रीन, इस ट्रेन में जो ICBM इस्तेमाल किया गया था वो RT-23 मोलोडेस था, जो कि डिजाइन ही ट्रेन से लॉन्च करने के लिए किया गया था। ये दुनिया का सबसे पावरफुल रेलवे बेस्ड ICBM था। नाज़रीन, इस ICBM की रेंज 11,000 किलोमीटर थी और इसकी मैक्सिमम स्पीड 20 मार्क तक थी, यानी आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा। इसमें सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस सिस्टम था जो कि इस मिसाइल को हाई एक्यूरेसी के साथ साथ टारगेट पर पहुंचने में मदद देता है। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात ये कि ये MIRV टेक्नोलॉजी से भी लैस था। इस मिसाइल में दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने की सलाहियत थी, जैसा कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम।
सोवियत यूनियन ने इस मिसाइल का बाद में साइलो बेस्ड वर्जन भी बनाया। 70s के शुरू में घोस्ट ट्रेन पर काम शुरू किया गया था और 1987 में ये सर्विस में शामिल रही और कई साल तक पूरे सोवियत यूनियन में चलती रही। अमेरिका अंदाजा ही नहीं लगा सका कि एक्चुअल ट्रेन कौन सी थी। ये वो आखिरी पता था जो सोवियत यूनियन ने उस सूरत में रखा था कि अगर जंग लगने पर इसके साइलो बेस्ड मिसाइल हिट हो जाते हैं तो ये ट्रेन उनकी मदद करेगी। नाज़रीन याद रहे कि सोवियत यूनियन ने ऐसी एक ट्रेन नहीं बनाई थी बल्कि ऐसी 36 घोस्ट ट्रेन बनाई थी जो कि पूरे सोवियत यूनियन में घूमती रहती थी। 2005 में इस ट्रेन को एक अमन मुआहदे के तहत रिटायर करना शुरू कर दिया गया और ऐसी आखिरी ट्रेन 2008 में रिटायर की गई। नाज़रीन अगर आप समझते हैं कि रूस ने जबरदस्त आईडी को खत्म करके गलती की है तो आप अब भी गलत हैं। रूस अब इससे भी ज्यादा खतरनाक ट्रेन बना रहा है जिसे RS-27 या बारगोजीन प्रोजेक्ट कहते हैं। ये रेल बेस्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि RT-23 की रिप्लेसमेंट के तौर पर ही बनाया जा रहा है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। इस मिसाइल ट्रेन में 6 ICBM रखे जाएंगे और ये नया ICBM रूस के खतरनाक तीन मिसाइल्स पर बेस्ड होगा जो कि यारस, गुलावा, RT-23MU, रोबिस एवनगार्ड और RT-39 मिसाइल हैं। मतलब इस ट्रेन में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल इंतहाई खतरनाक होने वाला है। ये 55 टन का मिसाइल होगा जिसमें 4 न्यूक्लियर वारहेड्स होंगे और इस मिसाइल की रेंज 13,000 किलोमीटर तक होगी। नाज़रीन रूस ऐसी 5 रेल रोड मिसाइल रेजिमेंट्स बनाएगा और हर रेजिमेंट एक ट्रेन और 6 बैलिस्टिक मिसाइल पर मुश्तमिल होगी। याद रहे कि ये प्रोजेक्ट रूस यूक्रेन वार की वजह से फिलहाल रोका गया है लेकिन इसे बहुत जल्द दोबारा से शुरू किया जाएगा। अमेरिका ने भी पीस कीपर रेल गैरिजन के नाम से रेल कार लॉन्च ICBM प्रोग्राम शुरू किया था जो कि 1980s में शुरू किया गया था लेकिन इसे बहुत जल्द ही सोवियत यूनियन के टूटने के बाद खत्म कर दिया गया था। तो नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।